हेलो सुरेन, तो देखिए डीसी जनरेटर के एक और सेक्शन में जिसमें हम बहुत ही कम समय में ज़्यादातर चीज़ों को कवर कर लेंगे, ज़्यादा कुछ टफ चीज़ें नहीं हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कम्यूटेशन के लिए, तो आपको पता है कि ये एक प्रोसीजर है एसी को डीसी में बदलने का, क्योंकि आर्मेचर में जनरेट जो हो रहा है वो कौन सी किस तरह की सप्लाई हम लोगों को प्राप्त होती है, ये होती है एसी प्रकार की, यानी कि एसी के टाइप का। तो अगर हम उसे ये देखें कि कम्यूटेटर, आपको बच्चों ये समझने की ज़रूरत है कि कम्यूटेटर लाइक दिस वन, ये कोई भी, और इसमें ये कुछ सेगमेंट है, कुछ ये सेगमेंट है जहां पर अलग अलग समय पर ब्रश टच होते रहते हैं। आपको ये समझने की यहां पर आवश्यकता है कि यहां जो भी कॉइल, ये जिस तरह की ये अलग अलग टाइप के जो कॉइल बनी हुई है, यहां पर आपको बात ये पकड़ने की जरूरत है कि जो भी कॉइल के क्रॉस में ब्रश यहाँ ऐसे टच हो रहा है, यानी कि जो भी कॉइल अंडरगोइंग कंडीशन को, अंडरगोइंग कम्यूटेशन की सिचुएशन को फेस कर रही है, वो तो एक शॉट की तरह कार्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा रियल पिक्चर में नहीं होता। इसका मुख्य कारण होता है कि अगर देखिए ये घूम रहा है, आप इमेजिन करके देखिए ये घूम रहा है, यहाँ पर कॉइल्स बनी हुई है और हम लोगों ने कम्यूटेटर सेगमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रश को टच कर रहे हैं। यानी कि आपको यहाँ ये बात का एक एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है अपने दिमाग में कि अगर किसी कॉइल में करंट अपनी फाइनल वैल्यू तक ना जाए और वो ब्रश नेक्स्ट वाली कॉइल पर शिफ्ट हो जाए, तो जो करंट का डिफरेंस होगा वो कहाँ फ्लो करेगा, ब्रश पर, और वो ब्रश को जला भी सकता है। तो ये सिचुएशन होती है, यानी कि डिले होता है जो करंट का अपनी फाइनल कंडीशन में पहुंचने का, वो होता है रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण। अब देखिए आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कम्यूटेशन प्रोसेस में। जैसे हम लोगों ने देखिए ये दिखाया आपको, ये कुछ सेगमेंट आपको दर्शाए गए हैं, ये सेगमेंट आपको दिखा दिया और चलने की जो दिशा है ये है। आपको ये समझना है कि इस बार ये घूमने वाला नहीं है, आपको एक लीनियर वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ये कुछ कॉइल रखी हुई है, और ये ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है। शुरुआत देखिए यहाँ से कर लेते हैं कि हमने कहा कि ये कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन की स्थिति में है, तो यहाँ पर इस तरफ से करंट आई चलता हुआ आ रहा है और यहाँ करंट के फ्लो होने की देखिए दिशा क्या है, ये डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो होना ये चाहिए, बढ़िया कम्यूटेशन ये है कि ये इस कॉइल के, जिस भी कॉइल के क्रॉस में ये ब्रश लगे, ये कॉइल पूर्णतः शॉर्ट का काम करना चाहिए, यानी कि पूर्णतः शॉर्ट सर्किट का काम करना चाहिए। तो करंट आई इधर से आया, यहां हमें मिला 2i। अगर ऐसा होता कि इसमें कुछ इंडक्टेंस होता, तो इंडक्टेंस हमेशा करंट में बदलाव का अपोज करता है, इट अपोज द चेंज इन करंट। तो उस इंडक्टेंस के कारण इसमें क्या है, एक रिएक्टेंस वोल्टेज अकर हो जाती, जिसके कारण करंट अपनी फाइनल स्टडी स्टेट वैल्यू में नहीं पहुंच पाता और ये यहां से नेक्स्ट वाले सेक्शन पर शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट वाले पे सेक्शन पे शिफ्ट हुआ तो जो डिफरेंस है करंट का वो कहां बहेगा, ब्रश पर, इसको डैमेज भी कर सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट कंडीशन, हमने ये कहा नेक्स्ट, यही सेम हम लोगों ने बनाया, और इस बार देखिए आपको कहा गया है कि यही ब्रश चलते हुए, देखिए अब हमने शिफ्ट कर दिया है यहां पर, यही ब्रश को इधर से चलते हुए हमने शिफ्ट कर दिया भैया इस पोजीशन में शिफ्ट कर दिया। तो इधर से करंट कितना है आई, इधर से आई है, इधर से कितना आई और इधर से भी आई, तो यहां से आई प्राप्त हुआ, यहां से भी आई प्राप्त हुआ, कितना मिला 2i।
तो अगर ये प्योरली, ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्योरली शॉर्ट के केस में, जब जो भी कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन की स्थिति में गई है वो शॉर्ट हो जाए। कुल मिला के अगर एनालिसिस करें कि करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ है, ये वैल्यू है पॉजिटिव के आई और ये वैल्यू है नेगेटिव के आई, अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव बहुत ही तेजी के साथ में बदल जाए तो हम लोग इसको कहेंगे एक आइडल कम्यूटेशन। हम लोग इसको क्या कहेंगे? आइडल कम्यूटेशन। यदि करंट, दिमाग में रखिएगा, यदि करंट अपने नॉर्मल समय से भी पहले, यानी कि यहाँ पर हमने लिया है TC, अगर इससे भी पहले नेगेटिव में चला जाए तो बदलाव कितना TC1, इसको कहते हैं हम लोग ओवर कम्यूटेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ओवर कम्यूटेशन। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से बहुत ही डिले में लेट लतीफे से चलें, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव होने में समय बहुत लिया है, इसको कहेंगे हम लोग डिलेड कम्यूटेशन। इसको हम क्या कहेंगे? डिले इन कम्यूटेशन, जो नॉर्मली होता है। डिले इन कम्यूटेशन अगर बात करें किसके कारण होता है, तो डिले इन कम्यूटेशन होता है ड्यू टू द रिएक्टेंस वोल्टेज। मुख्य कारण क्या है? ड्यू टू द रिएक्टेंस वोल्टेज। अगर हम रिएक्टेंस वोल्टेज का देखिए फॉर्मूला मार्क करें, तो हमारे लिए रिएक्टेंस वोल्टेज का फॉर्मूला, रिएक्टेंस वोल्टेज का जो फॉर्मूला है ये बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है E = LdIdt, E = L, देखिए DI चेंज इन करंट, तो I से माइनस I आया, कितना हो गया 2I अपॉन में T। ये रिएक्टेंस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको डायरेक्टली पूछता है। तो यहां कम्यूटेशन में ये दिमाग में रखना है कि कम्यूटेशन जो बेकार हुआ है, जो कम्यूटेशन अच्छे कम्यूटेशन था, अगर ये कॉइल जिसके ग्रॉस में ब्रश लगे हैं या जो कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन की सिचुएशन को फेस कर रही है, अगर वो पूरी तरह से एक शॉर्ट की तरह कार्य करता तो इसे हम कहते एक अच्छा कम्यूटेशन। लेकिन उसने स्थिति क्या पैदा कर दी कि उसमें जो रिएक्टेंस वोल्टेज उत्पन्न हुई है वो अपने अक्रॉस में करंट को चेंज नहीं होने दे रहा है। तो भैया इसीलिए करंट एक पोजीशन पर जब बरस रहते हैं अपनी स्टडी स्टेट कंडीशन में पहुंच नहीं पाता और हम नेक्स्ट पोजीशन में उन्हें शिफ्ट कर देते हैं, तो यही मुख्य कारण होता है ब्रश पर स्पार्किंग का, यही मुख्य कारण होता है ब्रश पर स्पार्किंग का। नेक्स्ट देखते हैं कि इसे हम कैसे रिड्यूस कर। चले देखिए, हमारे पास है तरीके, मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग कम्यूटेशन। तो रिड्यूस करने के लिए कम्यूटेशन को, पहला है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, इन विच वी यूज्ड कार्बन ब्रश, जिससे यानी कि वो का ब्रश हम यूज करें जिसका रेजिस्टेंस हाई है, तो ये करंट को फोर्स करेगा जहां से जाना चाहिए वहीं से जाए, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। एक होता है ब्रश शिफ्ट, जो बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें ब्रश को हम जैसे MNA शिफ्ट होता है तो MNA के डायरेक्शन में ही हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं। इंटरपोल, देखिए इंटरपोल को हम प्लेस्ड करते हैं, देखिए इंटरपोल बना होता है कहाँ? स्टेटर में। और ये आपको ध्यान देना है, अगर आप ये देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर यहाँ चलने की दिशा ये है, जैसे हमने लिया है जनरेटर के चलने की दिशा ये है, तो ये N है, ये S है, ये N है और ये S है। तो यहाँ जो इंटरपोल रखे हैं जनरेटर की चलने की दिशा में, इंटरपोल की पोलैरिटी वही होगी जो उससे आगे वाले पोल की पोलैरिटी है। बेटा ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो देखो इससे आगे की क्या N है, तो ये S है, ये N है और ये S है। जैसे अगर हम यहीं पर देखें, यहाँ पर अगर ये N बना दिया, ये बन गया S, ये बन गया N, ये बन गया S, ये इंटरपोल है, ये इंटरपोल है, यहाँ पर ये इंटरपोल, ये इंटरपोल। अगर हम मोटर कहते हैं, हमने इसी डायरेक्शन में मोटर को दिखा दिया, तो मोटर में ये उसी पोलैरिटी को फॉलो करेगा जो से पीछे हाल वाले की पोलैरिटी है। तो जनरेटर के केस में अहेड आगे वाले की पोलैरिटी को देखेगा, और यहाँ पर ये बिहाइंड यानी पीछे वाले की पोलैरिटी को ये देख कर चलता है, NS, NR, S। कंपनसेटिंग बाइंडिंग देखिए, रोटर में प्लेस्ड करते हैं, रिप्लेस्ड इन रोटर, और जो करंट होता है, करंट होता है इसमें आर्मेचर
करंट ही फ्लो करता है। इससे जो मशीन होती है वो हैवी बन जाती है, इससे जो मशीन होती है ओवरऑल हैवी बन जाती है, साथ के साथ में जो एफिशिएंसी होती है वो भी घट जाती है, वो भी घट जाती है। तो ये कुछ कंपटीशन को घटाने के बड़े ही कॉमन से मेथड हैं, ज़्यादा पूछता नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप दो छोटे छोटे फॉर्मूले देख कर जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। दो और छोटे छोटे जनरेटर में आप फॉर्मूले देख कर जा सकते हैं, क्या है? डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न का मतलब होता है आई ए जेड अपॉन ए पी, ए समझ गए पैरेलल पाथ, पी पोल आर्मेचर करंट और जेड हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर, बीटा अपॉन 180 डिग्री। बीटा देखिए क्या है, जितना यहाँ एमएनए था जितना ये आगे की तरफ शिफ्ट होता था ये है बीटा। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न का फॉर्मूला आएगा आई ए जेड अपॉन ए पी, ब्रैकेट में रखिएगा 1/2 माइनस बीटा बाई 180 डिग्री। तो यहाँ बस आप इतना ही पढ़ के चले जाइए जनरेटर में, इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग डीसी मोटर के लिए, एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर डीसी मोटर को। देखिए बच्चों, डीसी मोटर का अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम है जो डीसी जनरेटर। यहाँ बस आपको याद रखना है कि डीसी जनरेटर में जो ई जी जनरेटेड ईएमएफ होता था, यहाँ पर ई बी बराबर बैक ईएमएफ एन पी फाई जेड अपॉन 60 ए, सेम अप्लाई होगा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर ये आपको मेनली फोकस रखना है वही, जैसे लैप वाइंडिंग ए बराबर 2, वेव वाइंडिंग ए बराबर पी लैप और वेव के लिए। तो यहाँ से अगर हम चलें तो बेटा एन बराबर, देखिए जो मैं ये लिखवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ई बी इंटू 60 ए अपॉन में पी फाई और जेड, बाकी सब कांस्टेंट है, तो एन बराबर या एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। प्यारे बच्चों, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा, यहाँ से एन वन अपॉन एन टू ई बी वन अपॉन ई बी टू इंटू फाई टू अपॉन फाई वन। ये दो अलग अलग कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए दिया जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ के जाइए, स्किप करके मत जाइए। आज मैंने न्यूमेरिकल आपके पेपर में खूब दिया है आपको, ताकि प्रैक्टिस हो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर देखिए नेक्स्ट, इसी में हम लोग पढ़ते हैं टॉर्क इक्वेशन, इसी में चलते हैं हम लोग टॉर्क इक्वेशन पर। तो देखिए टॉर्क इक्वेशन की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल डेवलप्ड पावर जो है वो आती है ई बी इंटू आई ए, आर्मेचर में डेवलप होगा ना, तो भैया ये क्या ई बी आई ए। फिर अगर यहाँ से चलें तो ई बी का वैल्यू देखिए एन पी फाई जेड अपॉन 60 ए इंटू आई ए, बच्चों हमने यहाँ पुट किया। देखिए अब हमें ये ज़रूर पता है कि एक बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे लिए टॉर्क का, और टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है पावर अपॉन स्पीड, पावर अपॉन एंगुलर स्पीड, याद रखिएगा पावर अपॉन एंगुलर स्पीड। फिर बच्चों अगर हम यहाँ से चलें, पीएम का ये वैल्यू देखिए यहाँ पर रखा हमने एन पी फाई जेड आई ए अपॉन में 60 ए इंटू, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एन अपॉन 60, यानी कि यहाँ चला जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर आप देखें 60 से 60 हो गया कैंसिल, टी बराबर प्राप्त हो जाता है पी जेड एन से एन भी चला जाएगा पी जेड अपॉन 2 पाई ए फाई आई ए, हमें यह प्राप्त हो जाता है। तो ये हो जाता है टॉर्क के लिए एक फॉर्मूला, लेकिन अगर हम देखें ये सब कांस्टेंट है तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई आई ए, अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पर लिमिटेड चीज़ें हैं डीसी मोटर के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल डब्ल्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बट आप लोग स्किप करके नहीं जा सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से।
आपको ये समझने की अब जरूरत है। हम लोग बात करते हैं अब इक्विवेलेंट सर्किट की, फटाफट से देखते हैं। अब इक्विवेलेंट सर्किट कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए पुरानी सब चीजें जनरेटर वाली फटाफट से रिपीट हो जाएंगी। इक्विवेलेंट सर्किट में ये आर्मेचर दिखा दिया, यहां पर करंट अब आएगा, अब इनपुट है करंट आर्मेचर में, टर्मिनल में वोल्टेज, अब इनपुट वोल्टेज यानी कि सप्लाई वोल्टेज है। यहां बनाएंगे हम बैक ईएमएफ, ठीक है जी। अब देखिए बीईबी बराबर हो जाएगा वी माइनस आईए आरए, यहां पर मिल जाता है हमें ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टाइप्स में, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में चलिए, तो टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में हमने देखा, पहले हम लोगों ने मार्क किया है सेपरेटली एक्साइटेड, हमने देखा है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड में हमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, हमने यहाँ दिखाया प्लस माइनस ई बी, यहाँ से हमने दिखा दिया बच्चों क्या ये वी, यहाँ से आ गया ये आई, यहाँ हो गया क्या आई ए। सेपरेटली एक्साइटेड में हमने इसको बाहर से एक्साइट कर दिया, क्या किया हमने, सेम जनरेटर वाला ही तो काम है, ये क्या है आई एफ। चलिए तो सेपरेटली एक्साइटेड है। फिर चलते हैं हम लोग सीरीज टाइप, फिर चलते हैं हम लोग सीरीज टाइप पर। सीरीज टाइप पर ये दिमाग में रखिएगा, बाइंडिंग क्या है प्यारे बच्चों आर एस ई, यहां पर क्या कनेक्ट है आर ई। अब तो दिमाग में बस पिक्चर बननी चाहिए फटाफट, अब वो समय चला गया कि बैठे हो और एक ही टॉपिक को सोच रहे हो, अब फटो फटाफट से दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए भाई फटाफट से। तो यहां फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। ई बी अगर हम बात करेंगे तो वी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस ई, हमें यह प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए टॉर्क के लिए अगर प्यारे बच्चों हम बात करेंगे तो टॉर्क फाई आई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट चले हम लोग, जैसे श्री साहब देखा वैसे ही हम लोग चल लेते हैं संट टाइप के लिए, वैसे ही हम लोग चल रहे हैं भैया संट टाइप के लिए। अब देखो संट टाइप भी एक बहुत ही सिंपल सा केस है। यहां देखा हमने आर ए बनाया प्लस माइनस, हमने बैक ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर दिया, यहां पर हमने टर्मिनल को दिखा दिया ये आई है, यहां पर दिखाया आई ए, ये हमने बनाया देखिए संट यानी कि आई एस एच। प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि आई बराबर आई ए प्लस आई एस एच होगा, बिल्कुल होगा। ये देखिए इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, आई एस एच बराबर वी अपॉन आर एस एच होगा। संट फील्ड बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है बहुत ही हाई होता है, संट फील्ड बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है। फिर देखिए अगर हम लोग लिखें ई बी बराबर, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आइए आर ए करिएगा। प्यारे बच्चों ये दिमाग में रखिएगा कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एस एच, और ये आ जाता है हमारा कांस्टेंट, यानी कि ये कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है, कांस्टेंट फील्ड मशीन है, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई ए, यहां पर हमें यह प्राप्त होता है। फिर देखिए अगर हम लोग चलें कंपाउंड कनेक्टेड की तरफ, हम लोग चल रहे हैं किसकी तरफ कंपाउंड कनेक्टेड की तरफ, तो कंपाउंड कनेक्टेड अब दो तरह से हम लोग स्टडी करेंगे, एक शॉर्ट शंट और एक लॉन्ग शंट। तो देखिए जब हम लॉन्ग शंट की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग शंट हमने बनाया आर एस ई, हमने बनाया आर ई, यहां लिख लिया हमने ई बी प्लस और माइनस, टर्मिनल पे वोल्टेज हमने लिखा वी, और यहां हमें प्राप्त हो जाता है आर एस एच, ये क्या है आई एस एच, क्लियर। अब देखिए यहां से जो करंट है वो आई है और यहां से जो करंट है वो आई ए है। खैर ये हो गया हमारे लिए शॉर्ट शंट, तो शॉर्ट शंट में तो कुछ एनालिसिस करने की, सॉरी लॉन्ग शंट, ये क्या है लॉन्ग शंट है। अब देखिए शॉर्ट शंट का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी पढ़ाया है ये कि आर एस एच है, आर एस ई यहां पर है, ये है भैया आर एस एच, यहां ले लिया आर ए प्लस और माइनस, ये ले लिया आपने ई और बी, यहां ले लिया आपने टर्मिनल वोल्टेज वी,
यहां ले लिया आपने टर्मिनल वोल्टेज V, तो अब लोड करंट यहां सीरीज वाइंडिंग में फ्लो करेगा, यहां क्या है आई ए, यहां क्या है आई एस एच, तो देखिए यहां से यहां जो वोल्टेज है उसे माना क्या हमने वी डैस, तो वी डैस को अब हम देखेंगे कुछ इस वे में, वी डैस बराबर वी माइनस आई आर एस ई, वी डैस हमें ये प्राप्त हो जाएगा। फिर ये देखना है ई बी बराबर, यहां देखिए आई एस एच बराबर वी डैश अपॉन आर एस एच, तो ई बी बराबर बेटा वी माइनस आई आर एस ई माइनस आई ए आर ए हमें ये प्राप्त हो जाता है। फिर देखिए आपको मोटर के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, आपको मोटर के लिए इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब हम बात करेंगे सीरीज टाइप, तो भैया सीरीज टाइप में ये टॉर्क आप याद रखिएगा कि आर्मेचर करंट का क्या है स्क्वायर है। फिर आपको अगर मैं बात कर रहा हूँ संट टाइप, तो संट टाइप में आपको याद रखना है भैया ये क्या हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट हमें प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? चलिए देखिए बच्चों यहाँ सब चीज़ों के साथ साथ में ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि मोटर के लिए मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए एक केस बनेगा ई बी बराबर वी बाई टू, बहुत इंपॉर्टेंट है पूछता है, और जनरेटर के लिए बनेगा वी बराबर ई बी बाई टू।